Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आप सबकी दोस्त राबी लली और आज हम बना रहे हैं रशियन सैलेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेयोनीज लेनी है 1 कप, उसके बाद लेना है टेट्रा पैक की क्रीम 1 पैकेट पूरा, उसके बाद 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब बारी आती है 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर, 3 से 4 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अच्छा, ये पाइनएप्पल का सिरप है जो टिन में होता है, वो 1/2 कप डाला है। अब इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, बहुत अच्छा, ऐसा जैसा आपको नजर आ रहा है। रखते हैं इसको आप फ्रिज में। आ जाते हैं दूसरी तरफ, बॉइल्ड किडनी बीन्स व्हाइट वाले लोबिया ले लीजिए, बॉइल्ड यहाँ पे चने ले लीजिए, बॉइल्ड यहाँ पे काले चने ले लीजिए, सब 1-1 कप की क्वांटिटी। ये कुछ चंक्स हैं एप्पल्स के, ये ले लीजिए, थोड़ा सा खीरा है और थोड़े से आलू हैं 1 कप, ये ले लीजिए, आलू बॉइल्ड हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पाइन एप्पल का टिन है तो ये मैंने इस तरीके से पाइन एप्पल डाल दिए, अप्रॉक्स 1 कप ही कॉर्न है, और यहाँ रेड किडनी बीन्स है यानी कि लाल लोबिया, ये भी बॉइल्ड है। ठीक जी, अब मैं एक खुले से बर्तन में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये मैंने मैक्रोनीज ऐड करी है 1 पैक पूरा बॉइल्ड, क्योंकि मेरे पास क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है और मैं एक दावत के लिए बना रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटीज़ हैं। आप क्वान्टिटीज़ अपने हिसाब से मैनेज बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो जी, आपने इसको मिक्स करना है और इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 से 4 घंटे, अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा और फिर आपने सर्व करना है। अपनी दावतों पे बनाइए और अपनी दावतों पे तारीफ़ें वसूल कीजिए और छा जाइए। बहुत ही यम्मी डिलीशियस सैलेड होता है, मुझे पता है आप भी बनाते होंगे अपने स्टाइल में। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किस किस तरह बनाते हैं, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगी, एंजॉय। रेसिपी तो हो गई है, लेकिन आपने लाइक करना है और शेयर करना है, शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को रिंग करना ना भूलिएगा।